नमस्कार मित्रों, अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि अधिकतर लोग यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमें किसी ने किया कराया कर दिया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, हमारे ऊपर कोई बुरी शक्ति लगा दी है या बुरा तंत्र लगा दिया है। अब जब आपको ऐसा ख्याल आता है फिर आप करते क्या है? आप किसी पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी ओझा तांत्रिक गुनिया सोखा के पास जाते हैं, तो वहाँ से आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर फला शक्ति है, फला बुरी शक्ति है, शमशान की शक्ति है, कोई मसान की शक्ति है, कोई जिन है, कोई बेताल है, तो इस तरह से आपको बताया जाता है। आप जगह जगह चक्कर काटते हो लेकिन आपको सही से यह पता नहीं चलता कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हुआ है, कोई जादू टोना हुआ है या नहीं। आज हम आपको इस वीडियो में यह सारी जानकारियाँ बताएंगे कि वो 11 कारण बताएंगे कि जिससे आप पता कर सकते हैं उन संकेतों से, उन लक्षणों से कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, जब कोई आपके ऊपर तंत्र करता है तो वह आपके नुकसान के लिए करता है, आपका बुरा करने के लिए ही करता है। तब आपके शरीर के साथ क्या होता है? तब आपको कमजोरी महसूस होती है, आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं वो आपके बढ़ने लग जाते हैं, आंखें आपकी हर समय लाल रहती हैं। यह नहीं कि आपकी कभी नहा के निकले आंखें लाल हो गई तो आपने समझ लिया कि तंत्र हो गया, या फिर आपकी आंख में कुछ चला गया है या कि साबुन चला गया है या कोई मच्छर चला गया है तो वह लाल है, तो यह मत समझिए कि आपकी ऊपर तंत्र हो गया है। लगातार यदि आपकी आंखें लाल रहें, हमेशा लाल रहें, तो आप समझना कि तंत्र हुआ है। आपके चेहरे की चमक चली जाती है, चेहरे पर एक कालापन, एक मनहूसियत सी छा जाती है, जैसे आप पहले खिले खिले रहते थे फूल की तरह, वैसे अब नहीं रहते हैं। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है। जिस व्यक्ति के साथ बुरी शक्ति लगा दी जाती है वह पलखे कम झपकाता है, बहुत ही कम पलखे झपकाता है, और अपने दांतों से अपने होठों को चबाता रहता है। तो अब हम दूसरे कारण की बात करते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो अचानक आपके बाहर निकलते ही आपको काले कौवे घेर लेते हैं, या काले कौवे आपको दिखाई देते हैं, या फिर कुत्ते आपको देखकर भौंकते हैं। तो दोस्तों, ये परफेक्ट जो लक्षण हैं इनसे पता चल जाता है कि आपके ऊपर कोई जादू हुआ है, क्योंकि काले कौवे के बार बार दिखना या आपके ऊपर उड़ना इसको सत्य साबित करता है। इसके अलावा कुत्ते जो होते हैं उनके अंदर एक शक्ति होती है जो ईश्वर ने उन्हें प्रदान की है कि वह किसी भी बुरी शक्ति को देखकर भौंकने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं। आपने देखा होगा कहीं मंदिर में कोई शंख बजता है शाम के समय, तब कुत्ते रोते हैं। इसके अलावा जब कहीं मस्जिद में अजान होती है तब भी आपने देखा होगा कि कुत्ते रोते हैं। तो वो क्यों रोते हैं? इसका भी एक कारण है जो बड़ा ही वैज्ञानिक है। जब मंदिर में शंख बजता है, घंटा बजता है शाम के समय, आरती के समय, या फिर मस्जिद में अजान होती है, नमाज की आवाज़ आती है, तब बुरी शक्तियां जो होती हैं वह भागने लगती हैं। उस आवाज़ को सुनने से उनके कानों के पर्दे फटने को हो जाते हैं, उनका दिमाग में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और ऐसी शक्तियां इधर उधर भागने लगती हैं, तब उन्हें देखकर कुत्ते रोते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर जो लक्षण है दोस्तों, वह है बीमारियों से घिर जाना, और बीमारी भी ऐसी कि जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, न ही आपको कोई दवा लगती है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, बार बार आप रिपोर्ट बनवाते हो, आप चेकअप कराते हो, लेकिन उस रिपोर्ट में कोई परमानेंट बीमारी का नाम नहीं आता। डॉक्टर कहता है कि आपको कुछ भी बीमारी नहीं, लेकिन आप ठीक नहीं होते हैं, आपके ऊपर बीमारी चलती रहती है, आप परेशान रहते हैं। तो यह भी कारण है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है। आपके शरीर का खून सूखना चालू हो जाता है, आपका वजन कम होने लग जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप सूख रहे हो, जैसे कोई पेड़ सूखता है, ऐसे आपका या आपके परिजन जिसके ऊपर बुरी शक्ति है उसका शरीर सूखने लग जाता है और उसका वजन भी घटने लग जाता है। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके वजह से यह व्यक्ति बीमार रहने लगा है, सूखने लगा है, इसके चेहरे पर चमक चली गई है, आंखें लाल रहती हैं और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। इसके बाद नंबर 5 आता है दोस्तों, तो वह है काम बिगड़ जाना। जब आप कोई काम करते हो, आप प्लानिंग से करते हो, सोच समझ के करते हो, और आपको विश्वास होता है कि यह काम सफल होगा और आप पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाते हो, लेकिन जैसे ही उसका परिणाम मिलने को होता है,
रिजल्ट मिलने को होता है, अंत समय में वह काम देखते ही देखते बिगड़ जाता है। यदि आपका कोई काम बिगड़ जाए तो यह मत समझना कि आपके ऊपर जादू टोना हो गया है, लेकिन यदि बार बार ऐसा होने लगे, लगातार ऐसा होने लगे, आप जो भी कार्य करने की सोचो वही बिगड़ने लगे, तो समझ जाना कि आपके ऊपर बुरी शक्ति अब लग चुकी है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है, वह है आर्थिक नुकसान। आपकी आय के साधन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि वह बुरा समय होता है। एक तरफ तो गंदी शक्ति का आपके ऊपर बुरा प्रभाव, दूसरी तरफ आपके आर्थिक स्रोत हैं जो सूख जाते हैं, आमदन के साधन बंद हो जाते हैं, लोग आपसे मुंह फेरने लग जाते हैं आपकी गरीबी, दरिद्रता और दुख को देखकर, क्योंकि लोग भी उसी का साथ देते हैं, उसी के साथ चलते हैं जिसके पास ढेर सारे पैसे हो। और आपका बुरा समय अब चल चुका होता है कि आपके आय के साधन कम हो जाते हैं, आपको कहीं से भी पैसे नहीं आते हैं, हर तरफ आप जाते हो कि आपको खर्च ही खर्च होता है। आपकी जितनी इनकम होती है उसका अधिकतर हिस्सा डॉक्टरों, वैद्यों और तांत्रिकों के पास जाने लग जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप किसी बुरी शक्ति की चपेट में हो। इसके बाद नंबर 7 पर जो आता है, वह जिस व्यक्ति को ऊपर बुरा साया होता है वह एकांत में रहने लग जाता है, एकांत में बातचीत करता है, और दूसरे लोग समझते हैं कि यह पागल है, यह किससे बात कर रहा है, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता है। वह व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे ही आप उसे बोलते हो वह एकदम उछल के पड़ता है, आपके ऊपर क्रोध दिखाता है, वह बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका काम करने का मन नहीं करता। मान लीजिए आपने उसको कहीं बिल भरने के लिए भेज दिया, शहर में वह चला गया, लेकिन वह उस स्थान पर जाता ही नहीं है जहां के उसे कार्य करना था, वह कहीं और बैठकर अपना टाइम पास करके वापस लौट आता है बिना ही कार्य किए। कोई भी काम करते हुए उसको घबराहट होने लगती है, अंदर से डर लगने लगता है, वह बिल्कुल निठल्ला हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ या आपके परिजन के साथ है तो जान लीजिए कि आपके ऊपर कोई ना कोई बुरी शक्ति है। अब नंबर 8 पर है, जो बुरे ख्वाब आना, बुरे सपने आना। आपको रात को बुरे सपने आने लगे, ये नहीं कई बार सपने तो आ जाते हैं लेकिन लगातार आने लगे, जैसे सपने मैं बता रहा हूँ, जैसे कि भागने के सपने आए, कोई आपका पीछा कर रहा है, किसी ऊंची जगह से गिरने के सपने आए, आपको डर लगे, आपकी एकदम नींद खुल जाए, ऐसे आप आकाश में उड़ते हो और एकदम गिर जाते हो, किसी ऊंची इमारत से गिर जाते हो, और इसके अलावा भी डूबने के स्वप्न हैं, कोई जंगली जानवर आपके पीछे भागने के स्वप्न हैं। यदि ऐसे स्वप्न आपको लगातार आते हैं, निरंतर आते हैं, तो समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई बुरी शक्ति आपको डिस्टर्ब कर रही है। इसके बाद नंबर 9 पर जो कारण है वह है भीड़ से डरना। आपके यहाँ कोई शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई पार्टी हो, कोई समारोह हो जिसमें कि आपको आमंत्रित किया गया है, आपकी फैमिली को आमंत्रित किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बुरा साया होता है वह ऐसी जगह जाने से बचता है। वह कहता है कि मुझे घर पर ही रहने दो, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका भीड़ में जाने से उसका मन घबराता है, उस बुरी शक्ति का जो है मन घबराता है, उस व्यक्ति को डर लगता है, भय लगता है कि कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ बोल ना दे, कोई कुछ पहचान ना ले, तो इस वजह से वह घर से बाहर निकलना अब पसंद नहीं करता है, घर में ही रहना चाहता है, वह भी अकेला रहना चाहता है, जितना समय वह जागता है तो वह अकेला ही रहना चाहता है। नंबर 10 और ये आखिरी कारण है जिससे कि आप लगा सकते हो हिसाब, नशे का आदि होना। जिस समय व्यक्ति के ऊपर बुरी शक्ति का प्रभाव हो जाता है तो वह उसका नुकसान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ही कोई तांत्रिक भेजता है। वह वचनों में बंधी हुई शक्ति है कि जिसे कि आपका बुरा करना ही करना है, तो वह परिवार के किसी एक सदस्य को या कि मुख्य सदस्य को ही आप कह लीजिए नशे की लत डाल देता है। वह नशे की लत शराब की हो सकती है, गांजे की हो सकती है, किसी अफीम की हो सकती है, कोई मेडिकल नशा हो सकता है, तो वह व्यक्ति नशा करने लग जाता है। इसके अलावा वह गंदा भी बोलने लग जाता है, वह बात बात पर गाली देने लग जाता है, क्रोध में आ जाता है। वह स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे कोई सलाह देने की जरूरत नहीं, कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं, कोई ज्ञान यहाँ मत बांटो क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो ऐसा अहंकार, ऐसा मैं भाव उस व्यक्ति के अंदर आने लग जाता है। तो इन कारणों से आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर तंत्र किया गया है या नहीं। तो दोस्तों, यदि आपके साथ ये चीज़ें एक बार, दो बार, तीन बार हो तब आप विश्वास मत करना, लेकिन लगातार ही यदि होने लगे तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर जादू कर दिया गया है, टोना टोटका कर दिया गया है, किसी ने कुछ करा दिया है, कोई बुरा साया, कोई बुरी शक्ति।
कोई भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल मसान, कोई थान कोई ब्रह्म कोई पीर कोई जिन कोई बुरी शक्ति कोई बेताल, कोई डाकनी कोई शाकनी कोई हाकनी कोई लाकनी, कुछ भी बुरी शक्ति हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, उसका आपके ऊपर जरूर प्रभाव है। यदि आपके साथ ये 10 कारण हैं, इन कारणों में से कुछ कारण आपके साथ कुछ भी लक्षण आपको दिखाई दें जो कि लगातार चलते हों, तो आप जान लीजिए कि आपके ऊपर बुरा साया है। अब आपको करना क्या है, वह तो आपको ही देखना है। आपको किसी विशेषज्ञ से, जानकार से, जो कि इन चीज़ों के कारण जानता हो, इनके लक्षण जानता हो, इनके निदान को जानता हो, उससे आपको संपर्क करना चाहिए, ताकि वह आपके इस बीमारी को, इस बुरी शक्ति को, इस नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर कर सके, आपके परिवार से दूर कर सके, आपके घर से निकाल सके, और आपके घर में शुद्ध व सकारात्मक शक्तियों को स्थापित कर सके शुद्ध रूप में, ताकि वह आपकी रक्षा करें और आपकी वृद्धि करें, आपकी तरक्की में अपना आशीर्वाद दें। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।